देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन के साथ मनाइए आजादी का महोत्सव भारी छूट और बम्पर ऑफर्स के साथ। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। मतलब देश की आजादी के साथ मनाइए अब अच्छा दिखने की भी आजादी लुक सलोन भागलपुर के साथ। तो आज ही हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफाबाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कैंप जेल से हवाई अड्डा तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्वी क्षेत्र के उप महानिरीक्षक, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करवाया गया है, जिसे आज शहर को सुपुर्द कर दिया गया, जिसको लेकर यह साइकिल रैली निकाली गई। वहीं स्वच्छता को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। डीआईजी ने कहा कि साइकिल से लोगों का जहां स्वास्थ्य ठीक रहता है, वहीं विश्व स्तर पर साइकिलिंग प्रतियोगिता में भागलपुर का नाम अव्वल हो सके, इसको लेकर भी साइकिलिंग कराने वाले लोग आगे आएंगे और साइकिलिंग ट्रैक पर अपना प्रैक्टिस कर भागलपुर और भागलपुर का नाम रोशन कर पाएंगे। भागलपुर में साइकिलिंग ट्रैक नहीं होने के कारण साइकिलिंग करने वाले लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब वो परेशानी दूर हो गई है और लोग आराम से साइकिलिंग कर सकेंगे। स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में नगर आयुक्त के नेतृत्व में साइकिल ट्रैक का जो आज गिफ्ट पूरे शहर को दिया गया है, अब अत्यंत ही हमें एक कदम और आगे ले जाता है और भागलपुर के लिए एक नई शुरुआत है। यहाँ जैसे कि अभी भी कुछ साइकिलिस्ट हैं जिनका कि जत्था निकलता है संडे को, तो यह और युवाओं को प्रेरित करेगा और आने वाले दिन में मुझे उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेकर साइकिलिंग में नए प्लेयर जो है उभरेंगे और नेशनल स्तर पर अपना नाम कमा पाएंगे। प्रमुख उद्देश्य है शहरवासियों को स्वस्थ बनाना, वो साइकिलिंग करेंगे, ये बेस्ट एक्सरसाइज है, वो बॉडी माइंड सोल सब एकदम फिट रहेगा और हमारे शहरवासी तरोताज़ा महसूस करेंगे और उसके बाद काम पर लगेंगे तो दुगना दे पाएंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग सब लोग आए और इसका आनंद लें। स्मार्ट सिटी द्वारा नव निर्मित जो साइकिल ट्रैक है, लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ट्रैक, ये बन के तैयार है। इसका जो है हम लोगों ने एक जागरूकता रैली निकाला गया है और इसमें हम लोग 15 अगस्त को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो स्वच्छ सर्वेक्षण की गतिविधियां चल रही हैं उसके माध्यम से भी स्वच्छता का जो संदेश है उसकी जागरूकता वो भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे साथ स्वच्छता की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी हैं, स्वयं मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब सब लोग यहाँ पर हैं, सभी ऑफिसर्स हैं। तो सभी नगरवासियों से यही अपील है कि अपने शहर को साफ रखें, स्वच्छ रखें। एक नया साइकिल ट्रैक जो स्मार्ट सिटी द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपनी हेल्थ बनाएं, फिटनेस को अच्छा रखें। नगर आयुक्त साहब ने बताया ही है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा आज साइकिल ट्रैक का उद्घाटन हुआ, जिसमें नगर आयुक्त साहब या डीआईजी साहब और ब्रांड एम्बेसडर जो डॉक्टर साहब बने हैं, मेयर साहबा थी, एक शहर को एक नई चीज़ मिली है आज, जिसका हम चाहेंगे कि शहरवासी इसका उपयोग अच्छे ढंग से करें और जहाँ तक अपने हेल्थ और फिटनेस पर है, इसका एक और मौका स्मार्ट सिटी ने आपके शहर को दिया। हम उनके धन्यवाद हैं, नगर आयुक्त साहब के भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शहर को नई चीज़ देने की प्रयास किया और जिसमें सफल हैं। हम शहरवासी इनके बेहद शुक्रगुजार हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुरी सिल्क की पहचान को एक नया आयाम मिला है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भागलपुर के बुनकरों को अन्य राज्यों से लगभग 1 करोड़ की तिरंगा झंडा, तिरंगा साड़ी व तिरंगा अंग वस्त्र का थोक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर से भागलपुर के बुनकरों में काफी खुशी है। भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ के अधिकतर लोग सिल्क कारोबार से जुड़े हुए हैं। भागलपुरी सिल्क का डिमांड केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ गया है। स्वतंत्रता दिवस पर अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर समेत अन्य राज्यों से तिरंगा झंडा का ऑर्डर मिलता है। युवा बुनकर तहसीन सबाब बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सीधा बुनकरों को झंडे का ऑर्डर मिला है। यह बहुत बड़ी बात है। बुनकर भी अपना फायदा नहीं देखते हुए तन मन के साथ और गर्व से झंडा बना रहे हैं। तहसीन सबाब ने बताया कि झंडा बनाने की देश भर में आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को छोड़कर लोग भागलपुर की तरफ यह सोच कर आए हैं कि इससे अच्छा सिल्क झंडा कहीं नहीं बन सकता और हम लोग भी सभी ऑर्डर को छोड़कर सबसे पहले झंडे के ऑर्डर को बनाकर समय से पहले अन्य राज्यों में भेज चुके हैं। पहली बार यह लाभ बुनकरों तक पहुंचा है। इससे कपड़ा बनाने वालों से लेकर सिलाई करने वाले तक को फायदा मिला है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जब यह झंडा अन्य राज्यों में फहराया जाएगा तब हम लोग गर्व से कहेंगे कि भागलपुरी सिल्क है जो देश भर में लहरा रहा है। भागलपुर में जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से पहली बार ये ऑर्डर आया है कि भागलपुर में झंडा जो डायरेक्ट बुनकरों से लिया जा रहा है, डायरेक्ट वीवर से लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। हम बुनकरों के लिए एक खुशी का लहर है। मुझे लगता है कि करोड़ों का जरूर ऑर्डर है इस पूरे क्षेत्र में और सब लोग दिल से मन से हर चीज़ से बना रहे हैं। इसको प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, प्रॉफिट हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि गर्व की बात है हमारे लिए कि भागलपुर में ये पहली बार ऐसा है। चूँकि झंडा बनाने का आधुनिक एक से एक मशीन है पूरे देश में, पर उस चीज़ को छोड़कर लोग भागलपुर की तरफ आए हैं और भागलपुर की तरफ एक उम्मीद से, एक जोश से आए हैं कि भागलपुर में इससे अच्छा झंडा और कहीं नहीं बन सकता है। सिल्क में इससे अच्छा फ्लो और कहीं नहीं हो सकता है। इस उम्मीद से भागलपुर के लिए, भागलपुर के पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है और हम लोग इस ऑर्डर को टाइम से पहले डिलीवरी दे चुके हैं और इस चीज़ से हम लोग का एक इमेज ही बना है कि हम लोगों ने इसको हर चीज़ को और भी इसके पहले जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को छोड़कर हम लोग ये झंडा का ऑर्डर हम लोग बना के इसको टाइम से पहले हम लोग डिलीवर कर दिए। गर्व की बात होगी सर। ये अलग अलग शहर में, अलग अलग जिला में, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको स्टेट में जब ये झंडा फहरेगा सिल्क का और हम लोग गर्व से इसको ऊपर देखेंगे और चाहे वो लाइव टीवी पे हो या आपके मोबाइल पर हो, जहाँ भी देखो हम लोग गर्व से कह सकेंगे कि हमारे भागलपुर का हम लोग के हाथ से बना हुआ झंडा है। ये लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँच रहा है, ये लाभ सीधा बुनकरों को पहुँचा है, बुनकरों को बीच पहुँचा है। हर एक इसमें 3 प्रक्रिया है सर, कपड़ा से लेकर डाइंग तक। तो इसमें हर लोग इन्वॉल्व है, कपड़ा बनाने वाले भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके डाइंग वाले भी इन्वॉल्व है और बड़ी से बड़ी बात यह कि टेलर भी इसमें इन्वॉल्व है। जो इसमें स्टिचिंग देख रहे हैं आप, इसमें टेलर का भी काम है। तो बुनकर से लेकर सिलाई तक। देश की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भागलपुर निवासी तिलका मांझी की नई कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभु कुमार सुमन, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु व आदिवासी समाज के लोगों ने प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया। बता दें, तिलका मांझी चौक पर पुरानी प्रतिमा को बीते दिनों हटाकर स्मार्ट सिटी के तहत नए आकार में गोलंबर बनाकर तिलका मांझी की 10 फीट की कांस्य की प्रतिमा जयपुर से बनवाई गई थी, जिसका आज अनावरण कर दिया गया। भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में परेड की तैयारी की जा रही है, जिसमें बिहार पुलिस के महिला और पुरुष बटालियन के साथ साथ दंगा नियंत्रण, रैपिड एक्शन, होमगार्ड और NCC की टीम पूर्वाभ्यास में हिस्सा ली। बता दें, हर साल 15 अगस्त के दिन शहर के सैंडिस कंपाउंड में जिला प्रशासन की ओर से आकर्षक झांकी निकाली जाती है। इस बार भी आकर्षक झांकी निकाली जाएगी, जिसे देखने के लिए दूर दराज के लोग काफी संख्या में सैंडिस कंपाउंड पहुंचते हैं। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून, लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है।
तो अगर आप भी लुक सलोन के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के रामसर से बाबा बासुकीनाथ के दर्शन को लेकर 55 वृद्ध भक्तों का जत्था बस से रवाना हुआ। पिछले कई सालों से शंभू भगत नामक व्यक्ति के द्वारा सावन के माह में ऐसे वृद्ध लोगों जो बाबा का दर्शन नहीं कर पाते ऐसे लोगों को अपने खर्चे पर बस से बासुकीनाथ धाम ले जाया जाता है और बाबा का दर्शन कराकर फिर उन्हें वापस वहाँ से लाया जाता है। इस बार 55 लोग बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। क्यों जा रहे हैं बासुकीनाथ? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे कि हम लोग का मन में था कि जितना भी औरत है बाबा से मिलने का मन का मनोकामना किया। शंभू भगत अच्छा है कि सब महिला को ले जाए, जितना भी दर्शन बाबा का करें बहुत अच्छा हम लोग का मन में लगेगा। ये जो शंभू भगत कर रहे हैं बहुत अच्छा, इससे तो जा नहीं सकते थे। इन्होंने हम लोग को बोला तो हम लोग तैयार हो गए कि बहुत चलो, उनको बाबा का ऐसा दया मिले कि और 3-4 बस खुले कि हम लोग को ले जाए। सभी गरीब लोगों को बस यात्रा से जलाभिषेक के लिए जिनकी इच्छा थी उनको साथ लेके जा रहे हैं। कुछ मनोकामना होगी तब न जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ऐसे सभी को दिखाने ले जा रहे हैं आज जैसे। मस्ती ना जा रहे हैं कि 10 वर्ष से हमारा लड़का जो है ना वो जाता था सेवा में, इसीलिए हम लोग भी जा रहे हैं सबको लेके जा रहे हैं सवाल में। क्या इच्छा है बाबा से? बाबा का इच्छा है कि बाबा प्रणाम करें, सेवा करें, दर्शन करें। जो भी मनोकामना है, मनोकामना है बाबा पूरा कर रहे हैं। कितने की संख्या में हैं आप लोग? 40-50 की संख्या, 75 आदमी। भागलपुर में गंगा ने रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। भागलपुर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश करना शुरू हो गया है, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित काफी सहमे हुए हैं। जिले के सबौर प्रखंड के बगडेर बगीचे में बाढ़ पीड़ितों ने अपना आशियाना पेड़ों पर बना लिया है। यहाँ के लोग बाढ़ के समय पेड़ों पर मचान बनाते हैं और उसी मचान पर सपरिवार दिन के साथ रात गुजारते हैं। यहाँ के बाढ़ पीड़ित का कहना है कि हर साल हम लोग इसी तरह से 2 महीना रहते हैं, हम लोगों को कोई देखने तक नहीं आता, ना ही जिला प्रशासन और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। यदि हम लोगों के यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज करने के लिए भी सोचना पड़ता है, कारण आवागमन का कोई साधन नहीं है, बस एक चदरा का नाव बनाकर उसी के सहारे हम लोग रहते हैं। बताओ कितना परेशानी हुई छौ? तखन परेशानी पानी में रहना, पानी में खाना, गाय माल पानी में छे, देखै छौ लाभ कुछ नहीं मिले छै हमरा सनी के जाय आबै ल। डॉक्टर मिसर एबेन करै छै, मन खराब होय छै, तऽ मन खराब होय छौ तऽ केना जाय छौ? वह चदरा ला करके जाए छे, मिले छे चदरा ला, तो सरकारी ला नहीं है न छे। सरकार के तरफ से कोई देखे ना? कोई नहीं देखे ला अभी सरकार रो तरफ से। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के गौशाला के पूरब सुनसान नीम बगीचा में मोहम्मद हासिम की पुत्री बेबी की हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि बेबी अपने पति मोहम्मद असलम के साथ दिल्ली में रहती थी। वो 25 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार करने के लिए दिल्ली से अपने भाई के घर शाहजंगी आई हुई थी। मृतक के नंदोसी मोहम्मद शमशेर ने फोन कर उसे बुलाया था। एक दिन पूर्व घर से वो निकली थी, वहीं सुबह हबीबपुर थाना को सूचना मिली कि एक अज्ञात शव बगीचा में देखा गया है। हबीबपुर थाना अध्यक्ष कृपा सागर अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना मिली। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और अपनी बहन को पहचान कर मृतक के परिजन ने बताया कि इस घटना की वारदात में नंदोसी शमशेर का ही हाथ है। हबीबपुर पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, जल्द ही हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। और निकली है वो, मतलब परसों हम रात में बात किए उससे कि टिकट हो गया, तो बोला कि टिकट के लिए बोल दिए शमशेर को, टिकट जो है कल निकाल के तत्काल देगा वो, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम जो है सुबह फिर पूछे, फोन किया समझे तो बोले हाँ करे हैं जो है उन जाएगा टिकट निकालने, वो टिकट निकाल के हमको दे देगा। तो हम दुकान चले आए सर, उसके बाद जो हम फिर सोचा कि बच्चा लोग जाएगा तो कपड़ा उपड़ा उसको कुछ दिला देंगे, तो फिर यहाँ से हम घर चले गए दुकान बढ़ा के। उसके बाद जब वहाँ खोजें तो बोली इसकी बेबी जो है गई है टिकट निकालने, तो उसके बच्चे से पूछे कि जो है मम्मी रे, तो बोली फूफा का फोन आया था, फूफा के पास गई है टिकट लाने के लिए। फूफा कौन है?
फूफा शमशेर है। कहाँ घर है उसका? उसका कुर्बान घर है वो। कौन लगता है लड़की का? लड़की का नंदोसी है। अच्छा, लड़की का घर कहाँ? लड़की का घर हुआ दिल्ली, वो दिल्ली में रहती थी। अभी कहाँ रहती? अभी मेरे हमारे पास सायंगी में रहती। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर हाइवा ट्रक के द्वारा गिट्टी अनलोड करने के दौरान घंटों लंबा जाम लग गया, जिस कारण 1 किलोमीटर से भी अधिक सड़क पर जाम की स्थिति देखी गई। वहीं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी वाहनों के साथ साथ छोटी वाहनों का भी आवागमन घंटों बाधित रहा। थाना के बगल में ही घंटों हाइवा ट्रक के द्वारा गिट्टी अनलोड किया जाता रहा, लेकिन पुलिस के कोई भी जवान या पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम तुड़वाने का प्रयास करते नहीं दिखे। वहीं घंटों यात्री जाम के कारण परेशान दिखे।